हरे कृष्णा, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे जो कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आज आपको किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी, माली हालत कैसी रहेगी, रोग और शत्रु की क्या स्थिति रहेगी, न्यायालय में आपको विजय होगा या आपके विपक्ष में होगा, ये सब भी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। भूमि भवन में पूंजी इन्वेस्ट करना आपके लिए लाभदायक होगा या हानिकारक होगा ये भी बताऊंगा, और रियल इस्टेट से आपको क्या लाभ होने वाला है इसके बारे में भी बताऊंगा। मित्रों की संख्या कैसी होगी, मित्र आज आपके साथ सहयोगात्मक भूमिका में रहेंगे या विरोधात्मक भूमिका में रहेंगे इस पर भी हम बात करेंगे। वाणी पर कैसे नियंत्रण रखें और तेज गति की गाड़ी से चलाने से क्या हो सकता है, वो सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आज आपको सावधानियां क्या बरतनी है, आपको उपाय क्या करने हैं और आपके लिए शुभ अंक क्या होगा, शुभ रंग क्या होगा, सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या उपाय करें जिससे आपका दिन अच्छा हो, आपका समय अच्छा हो, ये सारी बातें भी आज हम आपको बताने वाले हैं। हरे कृष्ण। अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि की। तो जो कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा होगा, आइए हम आपको बताते हैं। तो जो कन्या राशि के जातक हैं, आज आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं पूर्ण होते हुए दिख रहा है, जो भी आपने योजना बनाया है, प्लानिंग किया है, वो सारे कार्य आपके सफल होते हुए दिख रहे हैं। आज आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो बड़ा महत्वपूर्ण, आज अपने विचारों से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, अपनी सोच से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, तो आज कोई भी कार्य असंभव आपके लिए नहीं है। आज आप अपने ट्रिक से, बुद्धि से और वाणी के कौशल से बड़ी सफलता हासिल करने में सफल रहेंगे। आज आपको अपने मन पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, क्रोध में आके, आवेश में आके कोई निर्णय नहीं लेना है। शेयर में पूंजी इन्वेस्ट करना आपके लिए हानिप्रद हो सकता है, तो शेयर में पूंजी न लगावे, नहीं तो नुकसान हो सकता है। ट्रेडिंग सोच समझ करके करने की आवश्यकता है और जो भी आपका इमेजिनेशन है वो रियलिटी में बदलते हुए दिख रहा है। यदि आप लेखक हैं, साहित्यकार हैं, तो आपका दिन बहुत ही बढ़िया है, आज आपको काफ़ी लाभ मिल सकता है और आज आपकी प्रगति हो सकती है, उसके लिए भी आज का दिन आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। पारिवारिक दायित्व को पूर्ण करने में सफल रहेंगे, भाई बहनों से थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकता है, भूमि भवन खरीदने में थोड़ा सा भी रुकने की आवश्यकता, नहीं तो आपका पूंजी डूब सकता है, अज्ञात व्यक्ति से कोई डील ना करें, नहीं तो परेशानी हो सकती है। माता की हेल्थ को लेकर के चिंता आपकी समाप्त होगी और शत्रु थोड़ा सा आप पर प्रभावी होने की कोशिश करेगा, लेकिन दोपहर के बाद आप शत्रु जीत हो जाएंगे, शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेंगे और आपकी परेशानियां खत्म होगी। लेन देन, अज्ञात व्यक्ति से कोई भी लेन देन न करे, कोई डील ना करे, नहीं तो आपके पैसे डूब सकते हैं। पत्नी की हेल्थ को लेकर के आपको चिंता सता सकती है, पत्नी के स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर सुधार होगा, माली हालत आपकी अच्छी होगी, पत्नी को सरकारी नौकरी भी मिलने का योग बन रहा है। तो देखा जाए तो चतुर्दिक तरीके से लाभ होते हुए देख रहे हैं। भाग्य आज आपके अनुकूल है, तो जो भी परेशानियां हैं सब खत्म हो जाएगा, भाग्य से आज आपको सफलता मिलते हुए दिख रही है। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि भावुकता में आके कोई निर्णय न लें और अपनी गोपनीयता बरते, अगर अपनी गोपनीयता आपने भंग किया तो कार्य आपका होते होते रुक सकता है, इसलिए अपनी गोपनीयता बरतना बहुत जरूरी है। आपके लिए आज उपाय क्या करना है, उपाय में आपको क्या करना है कि गौशाला में जाके गाय को हरा चारा खिलावें और पंचमेवा का खीर बना लें और भगवान श्री गणेश जी को अर्पित करें। ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, गौरी पुत्राय श्री गणेशाय नमः, इनको दुर्वा अर्पित करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके लिए शुभ अंक 6 और शुभ रंग 6 ग्रीन। हरे कृष्ण।